नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। कुख्यात तस्कर कमल राणा से जुड़ी एक बार फिर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस कमल राणा की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही थी, लेकिन उस बीच जो है राजस्थान की पुलिस ने लगातार दबिश देने के बाद शिरडी से कमल राणा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। अब खबर निकल के सामने आ रही है जिस तरीके से लगातार राजस्थान पुलिस कुख्यात तस्कर कमल राणा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई राज कमल राणा उगल रहे हैं। कई लोगों को जो है राजस्थान की पुलिस ने दबिश देकर पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया है, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच जो है खबर निकल के सामने आ रही है किस तरीके से कमल राणा की तस्करी में तथाकथित कुछ पुलिसकर्मी जो है लगातार साथ निभाते थे और तस्करी की दुनिया में कदम से कदम मिला के चलते थे। उस बीच जो है खबर निकल के सामने आ रही है कि इसी तफ्तीश और इसी राजस्थान पुलिस के खुलासे में जो है कुछ नीमच के पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए। उसके बाद नीमच एसपी ने इन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। अगर बात किया है तो कौन कौन पुलिसकर्मी है जिनको नीमच एसपी तोलानी ने निलंबित किया, क्योंकि एक कुख्यात तस्कर था, इस पर 70,000 रुपये का इनाम जो है कमल राणा पर घोषित किया गया था। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। अगर बात की जाए जो जानकारी निकल के आ रही है कि नीमच के एसपी अमित तोलानी ने किन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, अगर बात करें तो कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रघुनाथ सिंह महिला थाना नीमच, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रामप्रसाद शर्मा थाना जीरन, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रफीक खान थाना बगाना, आरक्षक रामप्रसाद पाटीदार थाना जीरन, आरक्षक अजीज खान पुलिस लाइन नीमच, आरक्षक देवेंद्र चौहान पुलिसकर्मी पुलिस लाइन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जिस तरीके से अगर बात करें तो ये वो पुलिसकर्मी जो कतिपय तौर पर लगातार जो है कमल राणा की तस्करी में अपना हाथ देते थे, साथ निभाते थे, वो ऐसे में बात किया है तो इनके नाम सामने आए। कमल राणा ने इन नामों को उगला, उसके बाद जो है राजस्थान पुलिस ने नीमच एसपी से संपर्क किया, उसके बाद इन लोगों को जो है निलंबित किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि तस्करी की दुनिया में कमल राणा कितना बड़ा नेटवर्क चलाता था, किस तरीके से लगातार उसके साथ कतिपय पुलिसकर्मी जो है वे साथ निभाते थे। साथ अगर बात किया है तो आने वाले वक्त में राजस्थान पुलिस और कई बड़े खुलासे कर सकती है। और इसी के साथ जो है लगातार चूरा पुल में जो है कमल राणा की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमको बता रहे थे। इस तरह की अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।